आकार स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम इंक्लूजन कंपाउंड्स समावेशन यौगिक क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूजन कंपाउंड्स समावेशन यौगिक दो यौगिकों दो अवयवों से मिलकर बने होते हैं जिनमें एक अवयव एक मॉलिक्यूल तो होता है होस्ट मॉलिक्यूल और एक होता है गेस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट मॉलिक्यूल एक केज का निर्माण करता है या एक केविटी या होल का निर्माण करता है जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट होता है। इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, कोई किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं पाई जाती। ओनली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वे आपस में जुड़े हुए रहते हैं और दोनों ही मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल की भांति कार्य करते हैं। क्लियर? तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स। अब डेफिनेशन देखो क्या होती है। एन इंक्लूजन कंपाउंड्स और एन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स मे बी डिफाइंड एज ए कॉम्प्लेक्स विच कंप्राइज ऑफ वन कंपोनेंट द होस्ट फॉर्मिंग ए केविटी। इन द केस ऑफ क्रिस्टल इट कंसिस्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस कंटेनिंग स्पेस इन द शेप ऑफ लॉन्ग टनल्स और चैनल्स इन विच मॉलिक्यूलर एंटिटीज ऑफ द सेकेंड केमिकल स्पीसीज यानी गेस्ट स्पीसीज आर लोकेटेड। क्लियर? यानी कि वे कॉम्प्लेक्स जो कि जिनमें एक कंपाउंड अभी अपन ने जस्ट देखा ही है कि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में होस्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि केविटी का निर्माण करता है। अगर क्रिस्टल की बात करें तो एक क्रिस्टल लैटिस जिसमें लॉन्ग टनल और चैनल के शेप में स्पेस होता है उस स्पेस में दूसरे केमिकल स्पीसीज यानी गेस्ट स्पीसीज के मॉलिक्यूलर एंटिटीज आके फिट हो जाते हैं। क्लियर? उसमें लोकेटेड रहते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। देयर एग्जिस्ट नो कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द गेस्ट एंड होस्ट द अट्रैक्शन बीइंग मेनली एट्रीब्यूटेड ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेज। क्लियर? यानी कि गेस्ट और होस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार की कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, ओनली वहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। द स्टीरियोकेमिस्ट्री एज वेल एज इन सम केसेज द पोलरिटी ऑफ बोथ द होस्ट एज वेल एज द गेस्ट मॉलिक्यूल डिटरमाइंस द फिजिबिलिटी ऑफ द इंक्लूजन कंपाउंड। समावेशन प्रोसेस कितनी आसानी से होगा, कितनी फिजिबिलिटी के साथ होगा, ये है उस होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल की पोलरिटी और स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री और पोलरिटी इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स की यह डिटरमाइन कहती है कि यह समावेशन कितनी आसानी से होगा। माइलस ऑब्जर्व इंक्लूजन कंपाउंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1886। माइलस नाम का वैज्ञानिक था, उसने इंक्लूजन कंपाउंड्स को सबसे पहले 1886 में ऑब्जर्व किया था। दे अपीयर्ड एज अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सेशन अकरिंग बिटवीन हाइड्रोक्विनोन एंड सेवरल वोलेटाइल कंपाउंड्स। क्लियर? जब हाइड्रोक्विनोन और अन्य जो वोलेटाइल कंपाउंड्स है उनके बीच में जब अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सेशन हुआ तो उन्होंने इस इंक्लूजन कंपाउंड का कंसेप्ट दिया। उन्होंने प्रपोज किया कि टू कंपोनेंट्स जो कि आपस में विदाउट केमिकल बॉन्डिंग के इंटरेक्ट होते हैं, और उन्होंने साथ ही ये कहा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंक्लोज होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे एक मॉलिक्यूल के अंदर कैद होता है, उनमें फिट रहता है। ठीक है? और बाद में जो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस दिए थे यह एक्सरे एनालिसिस के द्वारा कन्फर्म भी हो गए। तो माइलस ऑब्जर्व इंक्लूजन कंपाउंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम 1986। दे अपियर एज अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सेशन अकरिंग बिटवीन हाइड्रोक्विनोन एंड सेवरल वोलेटाइल कंपाउंड्स। ही प्रपोज दैट द टू कंपोनेंट्स वर इंटरेक्टिंग विदाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड आल्सो प्रपोज दैट वन मॉलिक्यूल वॉज एनक्लोज इन द अदर। इयर्स लेटर दीज ऑब्जर्वेशंस वर कन्फर्म बाई द एक्सरे एनालिसिस। क्लियर? इंक्लूजन कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म कैन बी फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एज फॉलो। इंक्लूजन कंपाउंड्स को उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के आधार पर चार टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पॉलीमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स जिसमें कैनल लाइक स्पेसेज हो सकते हैं, केज लाइक स्पेसेज हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा होता है मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ द ब्लू आयोडीन रिएक्शन
एंड फोर्थ है मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमोलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेज या कंपाउंड्स। द पॉलीमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स इंक्लूड ए होस्ट स्ट्रक्चर। पॉलीमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स में क्या होती है, एक होस्ट स्ट्रक्चर होती है। द होस्ट स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड इन ए लूजली अरेंज्ड लैटिस। ये जो होस्ट स्ट्रक्चर है उसमें जो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं वह लूजली अरेंज लैटिस के रूप में ओरिएंटेड होते हैं। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द होस्ट लैटिस इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं जो होस्ट मॉलिक्यूल्स में जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं लैटिस का, वे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एंड अदर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन टू फॉर्म ए चैनल और केज लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसके द्वारा जुड़कर ये कैनल या केज लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। उनके बीच में कोई अदर कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना, डे बाय इनक्लोजिंग द गैस मॉलिक्यूल। तब ये जब कैनल और केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें फिर वो गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, कैद हो सकता है। क्लियर। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़कर एक केज का निर्माण करते हैं, एक पिंजरे का निर्माण करते हैं जिसमें होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल्स और गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके क्या हो जाता है, कैद होता है। एग्जांपल जैसे यूरिया कॉम्प्लेक्स हो गया, थायो यूरिया हो गया, वेरियस कोलिक एसिड एग्जांपल्स ऑफ कैनल लाइक पॉलीमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। क्लियर। यूरिया, थायो यूरिया और कोलिक एसिड, वेरियस कोलिक एसिड कैनल लाइक पॉलीमोलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के क्या है, एग्जांपल्स। जो यूरिया कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस 5 एंगस्ट्रॉम में यूरिया कॉम्प्लेक्स में जैसे हाइड्रोकार्बन चेन जैसे एल्केन्स, स्ट्रेट चेन एल्केन्स उसमें आके फिट हो जाते हैं, लेकिन जो ब्रांच चेन एल्केन्स है, जो शाखित एल्केन्स है, वो उसमें फिट नहीं हो पाते। तो यूरिया कॉम्प्लेक्स एल्केन्स में ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन एल्केन्स को सेपरेट करने का काम भी आता है। लेकिन जो थायो यूरिया कॉम्प्लेक्स होता है, थायो यूरिया कॉम्प्लेक्स में सल्फर आ रहा है यहाँ पर, तो साइज बड़ी होने के कारण इस यह ब्रांच चेन एल्केन और स्ट्रेट चेन एल्केन दोनों को ही कैद कर सकता है, तो यह सेपरेशन में काम नहीं आता। ये अभी अपन आगे एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं इन कॉम्प्लेक्सेस की। क्लियर। अब दूसरा है अपना मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेज। द मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स कंस्टिट्यूट द सेकेंड मेजर क्लास ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। जो इंक्लूजन कंपाउंड्स की दूसरी मेजर क्लास है वो कौन सी है, मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेज। द मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स आर एन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड यूटिलिटी विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स में। बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स में मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेज का आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज में आ रहा है। क्लियर। इनकी यूटिलिटी इन दोनों फील्ड्स में बहुत ज़्यादा है। दिस कंपाउंड्स जनरली इंटरेक्ट ऑन F1:1 basis with the guest molecule which is enclosed within the cavity in the host molecule. Monomolecular inclusion compounds में जो guest molecule और host molecules 1:1 में interact होते हैं, इसमें host molecules एक cavity का निर्माण करता है जिसमें guest molecule क्या होता है, कैद रहता है। This category includes cyclodextrins. Examples of monomolecular कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म बाय क्राउन इथर्स, कैलिग्जरीन, थायोक्राउन्स ईटीसी। क्लियर। तो ये जो शुगर थर्ड है इस कैटेगरी में, जैसे साइक्लोडेक्सिन आ गया, अन्य एग्जांपल्स की बात करें तो क्राउन इथर आ गया, कैलिग्जरीन्स आ गया, थायोक्राउन्स आ गया, ये सभी मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स या इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेज के एग्जाम्पल्स है। जैसे ये साइक्लोडेक्सिन का एग्जांपल है जिसमें ये ड्रग है जो कि अपना गेस्ट मॉलिक्यूल है और ये अपना होस्ट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक कैविटी आपको दिख रही है, गुहा आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये ड्रग्स जब इस गुफा में फिट होती है तो ये दोनों एक इंक्लूजन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से। तो ये मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड का क्या है, एग्जाम्पल साइक्लोडेक्सिन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ब्लू आयोडीन रिएक्शन। द थर्ड क्लास ऑफ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेज इज क्वाइट रिलेटेड टू बोथ द पॉलीमोलिक्यूलर एंड मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड। जो थर्ड क्लास है इंक्लूजन कंपाउंड्स की वह पॉलीमोलिक्यूलर और मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड से रिलेटेड ही है।
आयोडीन इज एबल टू इंटरेक्ट विद स्टार्च साइक्लोडेक्सट्रिन्स फ्लेवोनोन्स काउमेरिन्स बेंजोफिनोन बेंजामाइड सेलुलोज एंड बारबिट्यूरिक एसिड टू गिव ए ब्लू एडिशन कंपाउंड्स आयोडीन स्टार्च के साथ साइक्लोडेक्सट्रिन के साथ फ्लेवोन्स के साथ काउमेरिन्स के साथ बेंजोफिनोन बेंजामाइड सेलुलोज और बारबिट्यूरिक एसिड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है क्लियर और उनके इंटरेक्ट करने के साथ एक ब्लू कलर का एडिशन कंपाउंड का निर्माण करता है। लेकिन अगर आयोडीन को स्टार्च के इनके अलावा कोई अन्य कंपाउंड हो जैसे फैटी एसिड्स हो तो फिर ये ब्लू कलर नहीं देता है। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस एप्लीकेशन में इसे अपनी बहुत ही यूज होता है आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स का। अभी देखेंगे आगे। क्रेमर इंडिकेट दैट अ सोल्यूबल कैनल लाइक इंक्लूजन कंपाउंड वाज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ आयोडीन एटम्स इनटू अ लीनियर टेम्पलेट अराउंड विच द स्टार्च मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए हेलिक्स। क्लियर, क्रेमर ने इंडिकेट किया था कि जब आयोडीन एटम्स का लीनियर टेम्पलेट के रूप में जब पॉलीमराइजेशन होता है तो एक कैनल लाइक इंक्लूजन कंपाउंड का निर्माण होता है जिसके चारों तरफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स एक हेलिक्स का निर्माण करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग द आयोडीन पॉलीमर वाज स्टेबल ओनली एज द इंक्लूजन कंपाउंड। इस प्रकार जो हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें आयोडीन पॉलीमर एनक्लोज है वह ओनली इंक्लूजन कंपाउंड के रूप में ही स्टेबल होती है। इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रेड ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन द इंक्लूजन कंपाउंड वाज द ब्लू ब्लैक। क्लियर, यानी कि जो आयोडीन सॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर है रेड ब्राउन उसके स्थान पर इंक्लूजन कंपाउंड का कलर कौन सा था ब्लू ब्लैक। तो इस कारण इसका नाम क्या रखा गया ब्लू आयोडीन रिएक्शन स्ट्रक्चर में कि ये जो रेड ब्लू बॉल्स हैं ये तीन है ये आयोडीन पॉलीमराइजेशन है। आयोडीन का क्या आई टू प्लस आई माइनस आई थ्री माइनस तो ये क्या है तीनों आयोडीन का पॉलीमर है जो कि एक टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है यानी प्लेट के रूप में है। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स एक हेलिक्स का निर्माण करते हैं और उसके बीच में ये क्या है जो कैविटी बनती है बीच में उसमें क्या है आयोडीन मॉलिक्यूल थे ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जो कि ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्लियर, अब बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। टर्म्स मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स एंड मोलिक्यूलर सीव्स हैव बीन यूज्ड टू क्लासिफाई द फोर्थ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दो टर्म आ रही है मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स और मोलिक्यूलर सीव्स, ये दोनों ही इंक्लूजन कंपाउंड्स के फोर्थ ग्रुप को क्लासिफाई करती है। यानी फोर्थ क्लास अपन कौन सी है मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड्स हैव बीन थोरोली इन्वेस्टिगेटेड एंड हैव वाइड यूज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी प्रोसेस। तो मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स का इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इट्स आर द मोस्ट कॉमनली नोन इन दिस कैटेगरी। हाउएवर द मॉडिफाइड डेक्सट्रांस पॉलीएक्राइल एमाइड एंड अगरोज जेल सिलिका जेल एंड अदर सब्सटेंसेस आल्सो इंक्लूडेड। तो इस कैटेगरी में मैक्रोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स में जियोलाइड्स जो कि मोस्ट कॉमनली नोन है साथ ही मॉडिफाइड डेक्सट्रांस पॉलीएक्राइल एमाइड्स अगरोज जेल सिलिका जेल और अदर सब्सटेंसेस इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। इंक्लूजन कंपाउंड्स हैव बीन स्टडीड बाई ए वेराइटी ऑफ कन्वेंशनल एनालिटिकल मेथड्स इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपी IR, UV स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस NMR और एक्स-रे एनालिसिस के द्वारा हम इंक्लूजन कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।